गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको लेंडेड एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि उस एप्लीकेशंस की मदद से गाइस अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंडेड एप्लीकेशन से आपको लोन लेने के लिए गाइस आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे प्ले स्टोर पर भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। बस आपको सर्च बार में आना है, लेंडेड लोन ऐप लिखकर सर्च करना है कुछ इस तरह से। ये एप्लीकेशन से तो आपको इस एप्लीकेशन को गाइस देख लेना है और यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को पहले ओपन नहीं करूँगा, आपको ओपन कर लेना है। पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊँगा, उसके बाद में मैं आपको लोन के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और गाइस अगर इस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ और जो यहाँ पर रेटिंग और अगर डाउनलोड्स की बात करें तो इस एप्लीकेशन की अभी यहाँ पर 3.8 की रेटिंग है। 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसमें रिव्यूज़ दे चुके हैं और अगर इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स को देखें तो अभी 1,00,000 से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं कुछ इस तरह से। ये एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन की अगर डाटा सेफ्टी देखें कि कौन सा डाटा ये शेयर करती है और डाटा कलेक्ट करती है या फिर नहीं करती है, तो गाइस इस एप्लीकेशन में सी डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा। डाटा सेफ्टी पर हम आ चुके हैं और गाइस ये एप्लीकेशन हमारे किसी भी प्रकार के डाटा को अदर थर्ड पार्टीज़ को शेयर नहीं करती है। लेकिन गाइस अगर बात करें डाटा कलेक्ट करने की तो ये एप्लीकेशन हमारे डाटा को कलेक्ट करती है। लोकेशंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फोटोज एंड वीडियोस, कॉन्टैक्ट वगैरह, ये इतनी सारी परमिशंस को यहाँ से कलेक्ट करती है। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में अगर आप देखें तो डाटा इज इनक्रिप्टेड सेट और यू कैन रिक्वेस्ट दैट डाटा बी डिलीटेड, कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है। तो इसको आप देख लीजिए। अभी यहाँ पर मैं बैक आऊँगा और गाइस इस एप्लीकेशन का अबाउट दिस ऐप वाला फीचर देखेंगे। यहाँ पर आपको अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप भी हर एप्लीकेशन का अबाउट दिस ऐप वाला फीचर गाइस पढ़ लीजिए ताकि आपको उस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेंडिट यूर लोन बॉडी इज हेयर टू हेल्प एंड सपोर्ट वेन इन नीड ऑफ पर्सनल लोन। गाइस इस एप्लीकेशन का ही नेम है लेंडिट यूर पर्सनल फाइनेंशियल बॉडी, कुछ इस तरह से। लेंडिट यूर पर्सनल बॉडी इज पार्टनर्ड विद RBI रजिस्टर्ड NBFC to help and support the financial needs for salaried and self-employed professionals by providing personal loan, कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रखा है। मतलब इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि RBI के द्वारा रजिस्टर्ड NBFCs भी है, हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन अमाउंट आप यहाँ पर ले पाओगे ईजिली और वो आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर इस एप्लीकेशन के फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पर आपसे मिनिमम प्रोसेसिंग चार्जेस जो रहेगा वो 500 रहेगा। रीपेमेंट पीरियड जो रहेगा गाइस इसमें 61 डेज से 90 डेज तक रहेगा, यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। मिनिमम एनुअल परसेंटेज रेट जो रहेगा APR वो रहेगा 54.75% से 72%, बेस्ड रहेगा वो आपके प्रोफाइल के रिस्क पर, ऐसा इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। 100% पेपरलेस लोन एप्लीकेशन से और भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है कुछ, तो इसको आप देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें पर्सनल लोन एप्लीकेशन स्टेप्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है कि कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है मेरी एप्लीकेशंस आगे जाके रिजेक्ट हो सकती है, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके इजीली लोन अमाउंट ले पाओगे। सबसे पहले इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। योर फाइनेंशियल बॉडी लोन ऐप इज एप्लीकेशंस, आपको इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, साइनअप करना होगा, कुछ बेसिक से डिटेल्स एंड प्रोफेशनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी और आपको आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करना होगा। अगर एलिजिबिलिटी में गाइस आप एलिजिबल रहे तो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे KYC डॉक्यूमेंट, क्विक अप्रूवल हो जाएगा। वंस द लोन एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड गेट द लोन अमाउंट डिसबर्स डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ईजिली आ जाएगा। अभी गाइस जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहा है पर्सनल लोन लेने के लिए तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपसे सेल्फी लेगा, पैन कार्ड मांगेगा, आपका इलेक्शन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से कुछ भी दे सकते हो, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप और प्रोफेशनल वर्क ईमेल। यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लगेगा, एडिशनल एड्रेस प्रूफ लगेगा, अपडेटेड इन आधार जो आधार कार्ड में होना चाहिए वो आप देख लीजिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें गाइस तो यहाँ पर आपकी मंथली सैलरी जो होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए मिनिमम है गाइस, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन सैलरीड और इंडिविजुअल कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है। इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि 0.15% टू 0.50% पर डे रहेगा डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल, ऐसा प्रोवाइड कर रखा है। 6.5% विल बी प्रोसेसिंग चार्जेस रहेगा प्लस GST रहेगी, 1% विल बी प्रोसेसिंग चार्जेस प्लस GST और 300 रुपये विल स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है RBI रजिस्टर्ड
पार्टनर एनबीएफसी ये कुछ प्रोवाइड कर रखा है तो इनको आप देख लीजिए। अगर सिंपल कैलकुलेशन में देखें तो अगर आपको 30,000 का लोन अमाउंट मिलता है तो यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 65 डेज के लिए रहेगी। जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2925 रुपये लगेगा। ऐसे कुछ इंटरेस्ट वगैरह करके टोटल ड्यूरेबिलिटीज जो रहेगी वो यहाँ पर 2955 रुपये हो जाएगी। और जो टोटल आपको रीपेमेंट करनी है वो 32,295 करनी है, कुछ इस तरह से। मतलब टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2925 रुपये करके लगेगा। तो इसको आप देख लीजिए गाइस। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको लोन के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं यहाँ से ऐप को ओपन करूँगा। ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने लोडिंग लिया जाएगा। जैसे ही ऐप को ओपन करोगे कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेंडिट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और भी गाइस यहाँ पर ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप 50,000 का लोन अमाउंट अप्लाई कर पाओगे। जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो स्टार्ट है यहाँ से 0.1% से लेकर 0.4% कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है गाइस। जब लेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना प्रोवाइड, मतलब कितना लेते हैं ये इंटरेस्ट रेट। अभी गाइस यहाँ पर अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं। यहाँ पर आपको 10 डिजिट के मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करने हैं और यहाँ पर नीचे टर्म्स को एक्सेप्ट करनी है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो उस OTP को आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपके सामने गाइस कुछ परमिशंस लेगा, जैसे कि फ़ोन डिटेल्स, कैमरा की परमिशंस, कॉन्टैक्ट की परमिशन। तो इन परमिशंस को आपको अलाउ करना है। यहाँ पर नीचे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैं टर्म्स को एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू पर क्लिक किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट है वो जो वहाँ पर हमें बता रखा था वही यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। 50,000 का लोन अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस पहले एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद में जिस भी लोन के लिए आप एलिजिबल होगे वो लोन अमाउंट आपको एक जगह प्रोवाइड कर देगा। फिलहाल यहाँ पर 50,000 ही चल रहा है, लेकिन अभी हमको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप्स उन्होंने बता रखी है, जिसकी आपको सबसे पहले लोन डॉक्यूमेंट चाहिए, लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 4 मंथ्स का KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, और कम्युनिकेशन एड्रेस में एनीवन, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको चाहिए ही। अभी हमको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लोडिंग लिया जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कैप्चर प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कैप्चर करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स से गाइस यहाँ पर स्टार्ट करना है और बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, पेन नंबर एंटर करने हैं, लोन का पर्पस चूज करना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे हमें और 2-3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद में प्रोफेशनल डिटेल्स फिलअप करनी है। तो 3 डिटेल्स हमें फिलअप करनी है, तब जाके गाइस हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक हो जाएगी कि हम लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। बेसिक डिटेल्स जैसे ही एंटर कर दोगे उसके बाद में गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पर्सनल डिटेल्स मेरे से पूछ रहा है। बेसिक डिटेल्स वाले कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। डू यू ऑन ए व्हीकल, आपके पास कोई यहाँ पर गाड़ी है वो आपको चूज़ करना है, जिसकी मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ। देखते हैं 2-व्हीलर है या फिर 4-व्हीलर है या फिर नॉन है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल नॉन पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर इसमें आपको सिलेक्ट करना है आपने क्या एजुकेशन कर रखी है, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर वो एंटर करता हूँ। उसके बाद में आपका जो रेसिडेंशियल जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जो आपने स्वयं है या फिर पेरेंटल है। तो वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 2-3 डिटेल्स, यहाँ पर मैंने सिंगल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है प्रोफेशनल डिटेल्स पर आ जाना है। मैं यहाँ पर अपनी मदर्स का नेम एंटर करता हूँ और आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। उसके बाद में गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरी 2 डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर पहले बेसिक डिटेल्स और उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी प्रोफेशनल डिटेल्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करूँगा। ये भी आप क्या है, सैलरीड है, सैलरीड प्रोफेशनल है, ये जो भी है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में इन हैंड सैलरी, आपको कितनी सैलरी मिलती है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो सैलरी में यहाँ पर एंटर करूँगा, मैं राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्लीज़ कैप्चर योर प्रोफाइल पिक्चर, आपको पहले यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है
तो वो यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो ये कैप्चर मैं करता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करके देखता हूँ। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में गाइस मेरे से यहाँ पर परमिशन ली जा रही है, तो परमिशन को मैं अलो करूंगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ गाइस तो मेरे को यहाँ पर जो है लोन अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया गया। मैं यहाँ पर जो है गाइस वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड इफ़ यू डज नॉट मीट आवर NBFC पार्टनर क्रेडिट पॉलिसी। मैंने यहाँ पर उनकी जो NBFC रजिस्टर्ड है पार्टनर, उनकी क्रेडिट पॉलिसी को मैंने यहाँ पर जो है गाइस फॉलो नहीं किया है, तो मेरे को लोन अमाउंट नहीं मिला। वही गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और भी कुछ डिटेल्स हो सकती हैं जैसे कि पैन कार्ड में क्रेडिट स्कोर कम हो, तो उन रीजन्स की वजह से मेरी एप्लीकेशन से यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है और 180 डेज़ बाद मेरे को दोबारा से यहाँ पर इसमें अप्लाई करने की बोली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं रीअप्लाई कर सकता हूँ बाद में और मेरी एप्लीकेशन से यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दी गई है। तो गाइस इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद में आपको KYC डॉक्यूमेंट्स होंगे। जब आपके लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो फिर आपको KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस अगर आप यहाँ पर आपको लोन अमाउंट मिल गया है तो वहाँ पर आपको KYC करनी होगी, तो आप KYC कर लीजिए गाइस ईजिली, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सैलरी मांगे तो सैलरी का प्रूफ आपको एंटर करना होगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो वो आपको एंटर करना है। और KYC आधार कार्ड और पैन कार्ड से हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ गाइस कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो गाइस आपको मिलती रहे।